हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच स्टॉक्स की जो एक ब्रेकआउट से बाहर आ चुके हैं या एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो किस साइड जा सकते हैं। सो आज हम ऐसे पांच स्टॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी का, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और गाइस, अगर आप देख सकते हैं कि मैं एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं बहुत बिजी था, मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। पर गाइस, अगर आपको लगे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड ना करूं, तो मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि आप investing.com पे जा सकते हैं, वहां पर मैं अपने आर्टिकल लिख देता हूँ, क्योंकि आर्टिकल लिखने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, यहाँ पर हमें 15-20 मिनट लगते हैं। सो आप मेरे investing.com पे आर्टिकल पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको निफ्टी का आउटलुक मिल जाएगा। अगर आप कमोडिटी पे ट्रेड करते हैं, गोल्ड पे, डॉलर पे या करेंसी, या अगर आप क्रूड ऑयल्स पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको उसके बारे में सब पता लग जाएगा। और मैंने आपके लिए यहाँ पर स्टॉक्स भी लेकर रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कल आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था, पर मैंने यहाँ पर अपना आर्टिकल लिख दिया था, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने स्टॉक्स पहले से ही दे रखे थे, तो आप यहाँ पर जाके एक बार चेक ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपको कभी भी पर्टिकुलर मेरे वीडियो आपको अपलोड होते हुए ना देखें। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ, कौन से स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा ग्लोबल के बारे में। टाटा ग्लोबल पे हम ट्रेड किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अब उसके बारे में देखेंगे। सो गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बना है पर्टिकुलर टाटा ग्लोबल के अंदर, हमने देखा है। और उसके बाद हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न के ऊपर हमने एक ब्रेकआउट देखा आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और हमने देखा कि वॉल्यूम्स जो हैं वो अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। अगर हम देखें प्रीवियस 3-4 महीने, सॉरी, अगर हम बात करें प्रीवियस 1 महीने के वॉल्यूम्स देखते हैं, तो 1 महीने में आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम है पर्टिकुलर एच के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो मुझे लगता है कि एक बाय बन सकता है, आप बाय बना के चल सकते हैं टाटा ग्लोबल के अंदर। अगर आपने इसको डेली आज फॉलो करा होता, तो आप देख सकते थे कि 280 का लेवल एक टाटा ग्लोबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि हम देख रहे थे 280 लेवल के आसपास जब भी वो जाता था, हम दोबारा एक सेलिंग देख लेते थे। पर 280 के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, और हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पर एक फ्रेश बाय पोजीशन हम बना सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको कल टाटा ग्लोबल के अंदर 277 तक की डिप मिलती है, ऐसे 2-3 रुपए की डिप मिलती है, अगर आपको कल इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो बाय करके चल सकते हैं। क्यों बाय करके चल सकते हैं 2-3 रुपए की डिप के लिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, ब्रेकआउट आया है एग्जैक्ट मान के चल सकते हैं 274 के लेवल से। पर गाइस, हमारे लिए बाय तब बनेगा जब ये प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर निकलेगा। प्रीवियस हाई के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, प्रीवियस हाई क्या है 277.5, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो भी हम बाय करते, या इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता। सो हमारे लिए इस लेवल के ऊपर एक बाय बनता है, हम इस लेवल के ऊपर एक बाय बना के चलेंगे 274.7 के ऊपर। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर टारगेट जो यहाँ से हो सकता है, अगर हम मान के चले कि इस पर्टिकुलर रेंज जो अभी हम रेंज मान के चलते हैं 257 से, इसकी जो रेंज थी 273 तक थी, हम मान के चल सकते हैं 15 पॉइंट तक की रेंज थी, तो यहाँ से जो एक इसकी एक अप मूव आ सकती है, वो आ सकती है अराउंड 290 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से एक 10 रुपये की मूवमेंट और दे सकता है टाटा ग्लोबल। बाय करके चलिए, पूरे 10 रुपये टारगेट के लिए वेट मत करा करिए बिल्कुल भी। यहाँ से आपको 4-5 रुपये भी मिलेंगे तो भी आप निकल जाइए, अगर आप फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न ये 3-4 रुपये में भी देकर चले जाएगा। स्टॉप लॉस जो आपको गाइस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो आपको करके रखना पड़ेगा 273 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 277 पे बाय करना है, 290 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू की बात करें गाइस, तो आईसीआईसीआई प्रू पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू पे मैं बाय करने की सलाह आपको क्यों दे रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने एक सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं कि अगर आप 2017 के सेप्टेम्बर से देखेंगे, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे एक इसने रेजिस्टेंस फेस करा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस फेस करा, फिर जैसे ही ब्रेकआउट दिया वहाँ पर हमने एक दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट देखी, उसी रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट माना, और हम देखते रहे कि उसके ऊपर जाके आईसीआईसीआई प्रू ट्रेड करते रहा। दोबारा जब इसने ट्रेंड लाइन की तरफ नीचे आने की कोशिश करी, तो वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लेके इसने तोड़ा और दोबारा बाउंस कर गया, फिर दोबारा उसके बाद नीचे गया, और आप देख सकते हैं कि उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2018 सितंबर से, आप देख सकते हैं कि 2017 के सितंबर को इसने ब्रेकआउट दिया, 2017-18 के सितंबर को इसने ब्रेक डाउन दिया, और हम देख रहे हैं कि लगातार उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। पर आप देख सकते हैं कि
सितंबर आ गई है गाइस, 3 4 दिन में सितंबर आ गए और दोबारा इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। तो यानी कि एक एक साल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक साल पहले हमने देखा कि एक साल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करा, एक साल ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करा है, अब दोबारा एक साल ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने के लिए निकल गया, ब्रेकआउट दे दिया है। वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए हैं, हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो गए हैं। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि मैकडी की बात करें तो वहां पर भी क्रॉसओवर देखने को मिल गया। सो गाइस, एक ये एसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, आप देख सकते हैं। अगर मैं नीचे की तरफ बॉटम की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग लेवल बन सकता है, बाइंग बन सकती है इसमें। पर्टिकुलर मुझे लगता है कि यहाँ से 430 440 तक के लेवल भी दिखा सकता है और हायर लेवल्स भी दिखा सकता है। मैं आपको 3 4 दिन का व्यू बता रहा हूँ और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके रखना पड़ेगा 211 210 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के अंदर। एस्कॉर्ट्स की बात करें तो एस्कॉर्ट्स पे भी मैं आपको बाय की सलाह ही सॉरी शॉर्ट की सलाह देने वाला हूँ एस्कॉर्ट को। आपको स्कॉट क्यों शॉर्ट की सलाह क्यों देने वाला हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। चैनल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस फेस करा अपर चैनल के अंदर। अब आप चैनल को देखेंगे तो एक डिसेंडिंग चैनल है, यानी कि ये हम देख सकते हैं इसके जो हाइज हैं वो ड्रॉपली हम देख रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं और हम लोअर लोज भी बनते हुए देख रहे हैं। तो एक डाउन ट्रेंड एक चैनल है, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के चांसेस इसके 30% है, पर नीचे की तरफ इसके ब्रेकडाउन देने के चांसेस 70% है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आप जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं वो आप 505 तक का मेंटेन करके चल सकते हैं स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि अगर आप वेट करेंगे गाइस तो ये 3 4 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ से 30 40 रुपये तक की गिरावट भी दिखा सकता है। अगर हम दूसरी बात करें कि इसमें मैं आपको शॉर्ट की पोजिशन क्यों दे रहा हूँ, मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि यहाँ से एक ही नीचे की तरफ जा सकता है, पर RSI हमें ये बता रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया इसका जो हाई है, प्रीवियस हाई है वो 560 है और जो आज का इसका हाई था प्रीवियस हाई वो 500 रुपये का, यानी कि आप देख रहे हैं लोअर हाईज बन रहे हैं। पर अगर आप RSI को इजीली फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RSI जो है वो हायर हाईज बना रहा है और आप देख सकते हैं कि जो लोज हैं लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि RSI और अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो एक इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव इन्वर्स रिलेशन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्कॉट्स नीचे की तरफ जा सकता है और जो एक इन्वर्स डाइवर्जन हम देखने को मिला RSI और अगर हम स्टॉक की बात करें तो ये जो इन्वर्स डायरेक्शन है, नेगेटिव डाइवर्जन है, तो वहां से मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक 30 40 रुपये तक की नीचे की गिरावट दिखा सकता है। और अगर आप देखें कि 3 4 हम देख रहे थे, 4 5 दिन से हम लगातार ग्रीन वॉल्यूम्स देख रहे थे, वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए देख रहे थे, पर हम सडनली हमने देखा कि हमने वॉल्यूम्स अब डिक्रीज होते हुए देखे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर हम देख रहे थे प्रीवियस टाइम पे बहुत तेजी आ गई थी, पर जिस तरीके से हमने देखा न्यूज़ आई, न्यूज़ आने के बाद हमने देखा कि उस टाइम से हम ऑटो सेक्टर पे करेक्शन देख रहे हैं, करेक्शन इन द सेम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। 50% तक की हम उसकी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50% की हम करेक्शन एक्सपेक्ट अगर करना चाहें तो मुझे लगता है कि स्कॉट्स कहाँ तक जा सकते हैं, सबसे पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो इसने कैंडल बनाई है, 3 वेव कैंडल होती है जो हम कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 50% तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से मुझे लगता है 470 465 तक के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। सो एस्कॉर्ट्स शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप लेकर चल सकते हैं। ट्राइडेंट ट्राइडेंट में आपको देख सकते हैं कि एक बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो इसकी डाउन साइड है वो नीचे की तरफ ही है, ब्रेकडाउन जो दे सकता है वो नीचे की तरफ ही दे सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, तो शॉर्ट करने की ही सलाह दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने अपनी अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया और एग्जैक्ट वहां से इसने अपने एक फॉल दिखाई ट्रेडिंग ने। ट्रेंड लाइन एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी बन रही है, मुझे लगता है कि 56 60 की इसकी क्लोजिंग है, तो ये 53 तक ये आराम से जा सकता है, 53 54 2 2.5 रुपये ये आराम से दे सकता है। गाइस ये स्टॉक बहुत छोटा स्टॉक है, तो अगर 2 2.5 रुपये की भी आप बात करें तो बहुत ज़्यादा 2 2.5 रुपये भी बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट के लिए, तो मुझे लगता है 2 2.5 रुपये तक भी ये जा सकता है। पर अगर ये पर्टिकुलर इस अपर साइड में अब लोअर साइड में इस रेंज को तोड़ता है तो हम हायर लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वहां से जो एक रेंज बनेगी वो रेंज बनेगी 10 रुपये तक की मूवमेंट, या पर्टिकुलर अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपर 53 को तोड़ देता है तो वहां से मुझे लगता है कि ये 43 45 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, या फिर अगर ये पर्टिकुलर 60 के लेवल को तोड़ता है तो वहां से हम 68 69 या 70 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं।
अब हम बढ़ते हैं एचसीएल टेक की तरफ। तो एचसीएल टेक पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके लिए ड्रॉ करना चाहूँगा, तो आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है। देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो इसके हायर टारगेट्स हैं 121 के, 1121 के पास इसने क्लोजिंग दिया, तो मुझे लगता है कि ये 1140, 1140, 1140 50 तक ये आराम से जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी एक्सपेक्टेशन है जाने की। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन थोड़ा डीप करके रखना पड़ेगा, 1100 रुपये के आसपास मेंटेन करके रखना पड़ेगा गाइस। पर अगर आपको ये थोड़ी बहुत डिप मिलती है, अगर आपको कल इंट्राडे पे एचसीएल टेक पे थोड़ी बहुत डिप मिलती है, तो भी आप इसे बाय करके चलिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि 1150 तक आराम से जा सकता है गाइस। ज़्यादातर अभी हम देख रहे हैं कि ये अपने चार्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो वो ज़्यादातर डॉलर या इंडियन रुपी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से उसमें मूवमेंट देख रहे हैं, उस तरीके से ये पर्टिकुलर आईटी सेक्टर भी ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा बहुत एक रिस्की ट्रेड भी हो सकता है, पर केयरफुल इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप ट्रेड करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि 1150, 1140 तक के लेवल दिखा सकता है अगर मार्केट इसके हिसाब से चलती है तो। अब दूसरी बात, इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न और बन रहा है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। वो एक परफेक्ट पैटर्न नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि वो एक पैटर्न है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये हम देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे, ये कप है और ये की हैंडल है। अब हमने देखा है कप एंड हैंडल का एक ब्रेकआउट होते हुए दिखा, साइड बाय साइड एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए दिखा, तो दो पर्टिकुलर पैटर्न का एट अ सेम टाइम हमने एक ब्रेकआउट होते हुए दिखा। तो मुझे लगता है कि 1100 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये मान के चल सकता है। मुझे लगता है 1100 रुपये का सपोर्ट मान के चल सकता है, उसके आसपास आपको एचसीएल टेक मिले बाय करिए। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1150 तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो अगर आपने मेरा investing.com का आर्टिकल देखा होगा, तो यहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज बताई थी। आप देख सकते हैं द इंडेक्स हैज सीन अ ब्रेकआउट फ्रॉम द फॉलिंग चैनल व्हिच हैज फॉर्मड बाय द कनेक्टिंग द स्विंग हाइज ऑफ 11,980, 11,680 एंड 11,140 लेवल्स। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉलिंग चैनल से हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिला निफ्टी के अंदर। तो वो जो लाइन है, वो लाइन ये है गाइस, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपके लिए बना रखी है। ये गाइस, ये एक लाइन है, इसके लाइन के ऊपर हमने एक ब्रेकआउट होते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार ये इस लाइन को टेस्ट कर सकता है, 11,000, 10,900 तक मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स या निफ्टी जा सकता है, 10,900 या 10,960, ये एक रेंज है गाइस। यहाँ तक पर्टिकुलर निफ्टी अगर आपको मिलता है तो बाय करके चलिए, 10,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और बाय करके चल सकते हैं। आर्ली चार्ट पे आपको मैं एक बार लेकर जाना चाहूंगा, वहां पर आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे भी लगता है कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर हम बात करें, मैं आपके लिए एक बार ड्रॉ कर देता हूँ जी गाइस। अब देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर एक परफेक्ट इन्वर्स हेड एंड शोल्डर तब बनेगा जब निफ्टी 11,930 सॉरी 10,930, 10,900 के आसपास आता है, और वहां से हम देखते हैं कि एक हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है और वहां से एक अपर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। पर गाइस, जिस तरीके से हमने देखा कि आज इसने 10,000, 11,000 के आसपास ही एक इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो वो भी एक परफेक्ट है। पर गाइस, अगर हम बात करें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या एक हेड एंड शोल्डर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो एक सेकेंड शोल्डर होता है, हम जनरली हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये एज्यूम करा है। अगर हम प्रीवियस आपको दिखाएं तो हमने जनरली ये देखा है, जो इसका सेकेंड शोल्डर होता है, अगर वो इसके प्रीवियस शोल्डर से छोटा बनता है, तो जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर फेक होते हैं या फिर बहुत मुश्किल से ही वो ब्रेकआउट देता है। अगर हम देखते हैं कि परफेक्ट एक चैनल, यानी कि मुझे लगता है कि अगर ये परफेक्ट 10,900 पे जाता है निफ्टी, और वहाँ से फिर अगर हम देखते हैं कि सेकेंड शोल्डर बना के कंप्लीट करके ब्रेकआउट देता है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहाँ से वो पर्टिकुलर 200 से 250 रुपये की मूवमेंट आराम से दिखा सकता है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही। पर गाइस, जिस तरीके से हमने देखा है कि जो सेकंड शोल्डर है वो अगर फर्स्ट शोल्डर से छोटा बनता है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं
या फिर अगर ब्रेकआउट देखने को मिल भी जाए तो जो टारगेट होते हैं वो 50-60-70 रुपए तक के टारगेट हम देखते हैं और दोबारा वो उस चैनल के अंदर आ जाता है। सो गाइस अभी भी मैं आपको निफ्टी पे कोई बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। अब आपको करना क्या है, अगर ये आपको 11,120 के ऊपर मिलता है, जो कि मुझे लगता है ये कि लेवल है, अगर आपको 11,120 के ऊपर मिलता है तो निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। 50-60-70 रुपये तक की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये 10,900 के नीचे मिलता है तो भी आप इस पर्टिकुलर पोजीशन को शॉर्ट करके चल सकते हैं और वहाँ से आप स्विंग लोज एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। प्रीवियस स्विंग लो जो मैं आपको दिखा चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर ये 10,900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो अपने प्रीवियस स्विंग लो की तरफ दोबारा बढ़ना शुरू कर जाएगा। तो अब आपके लिए देखिए गाइस चांसेस ये है, 11,900 पे मिलता है तो रिस्की ट्रेडर्स बाय करके चल सकते हैं एक बार, और अगर आपको रिस्की ट्रेडर्स नहीं है तो आपको बाय करने की सलाह तभी दी जाएगी जब ये 11,120 के ऊपर निकलता है। पर जिन लोगों को शॉर्टिंग पोजीशन इनिशिएट करनी है वो तब करिए जब 10,900 का लेवल तोड़ता है या फिर जब ये 11,120 11,140 के आसपास अगर आपको मिलता है तो। कल आपको ट्रेड तभी इनिशिएट करना है जब आपको इन लेवल्स के आसपास मिलता है या इन लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करता है, इस रेंज के अंदर रहता है तो मैं आपको पर्टिकुलर ही बोलूंगा तो निफ्टी के अंदर ज़्यादातर ट्रेड ना ही करिए। पहली बात एक्सपायरी है तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे तो आप खामखा आप प्रीमियम अपना लॉस करेंगे, तो इस तरीके से ही आप काम करके चल सकते हैं। गाइस निफ्टी का पर्टिकुलरली आपको और अच्छी तरीके से आउटलुक समझना है और अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट समझना चाहते हैं, क्योंकि गाइस ग्लोबल मार्केट के ऊपर ये पर्टिकुलर मार्केट अभी हम देख रहे हैं कि बिहेव कर रही है, हमारी मार्केट ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर ही हमारी मार्केट ट्रेड कर रही है। पता नहीं कब ट्विटर पे वो क्या लिख दे डोनाल्ड ट्रंप और उसकी वजह से हमारी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर जाए और ये पर्टिकुलर जो चार्ट्स हैं जो टेक्निकल्स हैं वो फॉलो ना कर पाए। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मार्केट का कल गिरने का रीज़न क्या था। अगर मैं आपको अपने आर्टिकल पे लेकर जाऊं तो हमने देखा था कि ट्यूसडे को हमने देखा था कि ऊपर हायर साइड से जब ओपन हुई तो यूएस की मार्केट गिर गई। गाइस गिरने का एक सबसे पहला रीजन है रिसेशन, जो रिसेशन जो फियर आ रहा है, जो एक रिसेशन का फियर आ रहा है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट ज्यादातर रिएक्ट नहीं कर पा रही है। अगर आप मेरे फोर्थ और फिफ्थ थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। एक ये रिसेशन का इंडिकेटर, एक परफेक्ट इंडिकेटर है जो हमें सजेस्ट करता है कि रिसेशन आ सकता है। मैं नहीं कह रहा कि अभी आएगा, 18 महीने 24 महीने के अंदर अंदर एक रिसेशन आ सकता है और वो हमारी मार्केट को एक बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन करेक्शन में लेकर जा सकता है। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। साइन अप यार। कट नहीं कर सकते।